हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज मौत के आंकड़े जुड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार न सिर्फ डरा रही है, सिस्टम पर गहरी चोट भी कर रही है। कोई नहीं जानता कोरोना की ये तेजी कहां थमेगी, कब थमेगी। दिल्ली में फिर 24 घंटे में 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले जुड़ गए, जबकि एक दिन में 57 लोगों की जान चली गई। राजधानी में कोरोना के कुल केस अब 39,000 के करीब जा पहुंचे, वहीं करीब 1300 लोग कोरोना की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि एक दिन में 1,547 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे, ये एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 से ज्यादा है। अब ये तमाम आंकड़े जो दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस बात का संकेत है कि दिल्ली के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रहे हैं, तो कई नो फ्री बेड सुन सुन कर बेहाल हैं। जिन्हें अस्पताल में जगह मिली उन्हें ठीक इलाज न मिलने की शिकायत है। दिल्ली सरकार के GTB अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को क्या झेलना पड़ रहा है, आप खुद सुन लीजिए। उनको सुबह से पता नहीं खाया है पिया है कि नहीं, कोई वो नहीं है। एक दिन अभी कल परसों की बात है, परसों वाले दिन की, उस दिन खड़े हुए थे बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए खड़े हुए, वो गिर रहे थे वहीं। और फिर मुझे बोले खाना खा ले, मैं थोड़ा दूर बैठ के खाना खा के आई थी वापस। बहुत नॉन स्पेसिफिक एलिगेशन है, और हमें कोई स्पेसिफिक इंस्टांस अगर आप बताएं कि इस मरीज के रिश्तेदार ने ऐसा कहा है तो उचित होगा। फिर भी मैं आपके माध्यम से ये क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हर मरीज को, अगर वो कॉन्शियस है, अगर वो होश में है, इतना बीमार नहीं है कि वो उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे हालत में हर तरह के उस मरीज को हम लोग 6 खाना दे रहे हैं दिन में। दिल्ली सरकार ने तो सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोरोना मरीजों के लिए बेड रखने का आदेश दे दिया। 10 से 49 बेड वाले सभी अस्पताल कोविड मरीजों के लिए होंगे, जबकि 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रखना होगा। लेकिन अस्पताल के चार्ज को लेकर केजरीवाल सरकार भी चुप है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ट्वीट कर मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने मांगों की लिस्ट पेश कर दी। कमरे बनाने की इजाजत मिले, गरीब मरीजों के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस उपलब्ध हो, और किसी डेड बॉडी के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सजा मिले। अब तो LG भी फॉर्म में है। कोरोना से लड़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें तोड़ने वालों पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया। मसलन पहली बार जो क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फेस कवर के कायदे कानून तोड़ेगा उन्हें पहली बार ₹500 और दोबारा करने पर ₹1,000 की चपत लगेगी। जो नहीं चुकाएगा उस पर IPC के तहत कार्रवाई होगी। ये सही है कि कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, और इसके लिए 2 गज की दूरी भी जरूरी है और मास्क भी। लेकिन बढ़ते मरीज और कोरोना के मौत के आंकड़े कई सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।